जनपद उधम सिंह नगर के सितारगंज में आज रामलीला का शुभारंभ बड़े ही धूमधाम से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक प्रतिनिधि सुखदेव सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल ने इस समारोह में भाग लिया। सुखदेव सिंह ने दीप प्रज्वलित कर रामलीला का शुभारंभ किया। सभी उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को पटके पहनाकर सम्मानित किया। वहीं इस अवसर पर प्रभु श्री राम और माता सीता की आरती और गणेश पूजन भी किया गया। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष कमल जिंदल ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी वृंदावन से आए कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसमें रामलीला कमेटी का भरपूर सहयोग है। वहीं विधायक प्रतिनिधि सुखदेव सिंह ने कहा कि हमें गर्व है कि रामलीला का आयोजन हो रहा है और उन्होंने सभी से भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने की अपील की। वहीं इस कार्यक्रम में शिव कुमार मित्तल, राकेश त्यागी, रामलीला कमेटी के अध्यक्ष नीरू गुप्ता समेत अन्य लोगों ने भी भाग लिया। सितारगंज से संवाददाता अमर सिंह यादव की रिपोर्ट। वृंदावन के कलाकारों द्वारा आज प्रभु श्री राम लीला का जो मंचन प्रारंभ उसका शुभारंभ हुआ है और रामला के माध्यम से हम जनता को संदेश मिलता है कि प्रभु श्री राम के बताए हुए रास्ते पे चलें और अपना जीवन, इसलिए आज ये कार्यक्रम का शुभारंभ आदरणीय सुखदेव सिंह जी, शिव कुमार मित्तल जी, उमा शंकर दुबे जी, आदरणीय त्यागी जी सबने मिलकर किया है। कारगंज में हर वर्ष की भांति सम्मान के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगा आदरणीय सुरेश जैन जी, हुई है सब लोगों ने बड़ी खुशी से धूमधाम से, रोशन लाल अग्रवाल जी, रतन लाल गुप्ता जी, नरेश कंसल जी, सुखबीर सिंह बेदी जी, लक्षा सिंह जी, किया जाएगा शुरुआत राम नगीना जी, श्री भगवान राम जी, सभी को प्रेरणा सागर जी, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय जी और श्री राम के बताए हुए रास्ते पे चलते संजय गोयल जी, अपने परिवार को अपने जीवन को सफल बनाया।